लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 62। आज के लेक्चर में एज यूजुअल पहले होम असाइनमेंट डिस्कस होगी आपकी, फिर इसके बाद आज के कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट है आज हमारा, वोटिंग सिस्टम। वोटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि कंपनी के अंदर जो रेजोल्यूशन पास होती हैं वो उनमें वोट्स किस तरीके से काउंट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कल हमने कौन सा कंसेप्ट स्टडी किया था, कल कौन सा कंसेप्ट स्टडी किया था? नोटिस एंड प्लेस ऑफ जनरल मीटिंग, शाबाश। तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। देखिए वो कह रहा है कि मीटिंग के अंदर डिस्कस करने को मेंबर्स एक दूसरे से कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, हालचाल भी डिस्कस करते हैं, भाईजान क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है। अब ये मीटिंग के नोटिस में तो ये नहीं लिखा हुआ था कि मेंबर्स एक दूसरे का हालचाल भी डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने का कुछ भी कर, लेकिन रेजोल्यूशन सिर्फ उसकी पास होगी जो मैटर नोटिस में मेंशन है। ऐसा नहीं है कि उसी वक्त मीटिंग में बैठे बैठे किसी मेंबर के जहन में आइडिया आए कि भैया ये नया बिजनेस स्टार्ट करने की रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, उसी वक्त रेजोल्यूशन पास हो जाए। लॉ कहता है ऐसे विद इन मिनट्स कंपनीज के फैसले नहीं होते, उसके लिए बकायदा आपको सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी। पहले नोटिस इशू करना पड़ेगा मीटिंग से पहले, फिर उसके बाद मीटिंग में डिस्कशन होगी, फिर रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। डिस्कस कर सकते हैं कोई भी मैटर, अप्रूव तभी होगा जब वो नोटिस में शामिल होगा। लिमिटेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी में क्या फर्क है? हर वो कंपनी जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और तकरीबन मोर देन 99% कंपनीज की लाइबिलिटीज पाकिस्तान में लिमिटेड है, उसे लिमिटेड कहते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी इंक्लूड्स प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ठीक है जी। लेकिन लिस्टेड कंपनी से मुराद सिर्फ वो पब्लिक कंपनी है जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, ठीक है जी, ये फर्क है। तो लिस्टेड कंपनी को कह ले के टाइप है एक लिमिटेड कंपनी की। और क्या क्वेश्चन? जो हमने नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म सेंड करना है ये सबको सेंड करना है, या जिनका इरादा हो ना आने का उनको सबको सेंड करना है, ठीक है। कोई आना चाहे तो फॉर्म खुद आ जाए, अगर खुद आना नहीं चाहता तो फॉर्म फिल करे, प्रॉक्सी को बाइंड करे और उसकी जगह पे वो प्रॉक्सी आ जाए। लिमिटेड कंपनी पब्लिक कंपनी की फॉर्म नहीं है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड कंपनी की फॉर्म है। आप यूं कंसेप्ट सिंपल रखिए, हर कंपनी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, यूं कंसेप्ट रखिए। अनलिमिटेड वाली एक्सेप्शन है लेकिन वो रेयर है। अभी कंसेप्ट पक्का करने के लिए, हर कंपनी लिमिटेड कंपनी है। अब उसके आगे उसकी टाइप्स है, पब्लिक है, प्राइवेट है, सिंगल मेंबर है, अदर देन सिंगल मेंबर है, पब्लिक में लिस्टेड है, अनलिस्टेड है। जी भाई और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, आज के असाइनमेंट की तरफ चले। तीन क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन वेदर आर नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। बताना है कि ये जो प्रोविजंस हैं ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक हैं या, ये टिपिकल क्वेश्चन होता है कंपनी लॉ में कि वो कोई स्टेटमेंट देके आपसे पूछता है बताइए ये लॉ के मुताबिक है कि नहीं। उसमें अगर कोई एरर हो हम वो भी बता देते हैं, अगर कोई ओमिशन हो वो भी बता देते हैं, अगर कोई एक्सेप्शन हो तो वो भी बता। जब कभी वो हमसे कोई स्टेटमेंट देके पूछता है बताइए ये लॉ के मुताबिक है कि नहीं स्टेटमेंट, तो हम क्या करते हैं उसमें अगर कोई एरर हो, 6 मंथ की बजाय 3 मंथ्स या 9 मंथ्स लिख दिया है फॉर एग्जाम्पल, ओमिशन हो वो भी बता देते हैं, और अगर एक्सेप्शन हो तो वो भी। स्टेटमेंट पहली क्या दे रहा है, कह रहा है ऑल लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग विद इन 6 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसमें एक तो टाइप ऑफ कंपनी में गलती कर गया है और एक टाइम पीरियड में, दो टाइप ऑफ कंपनी में क्या गलती है जी? ओनली पब्लिक कंपनी आर प्राइवेट कंपनी विच इज कन्वर्टेड इन पब्लिक कंपनी विद इन 1 ईयर, उसके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाना रिक्वायर्ड है, बाकियों के लिए नहीं है। और कब करवानी है? विद इन 9 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर। हाँ, इफ फर्स्ट एजीएम इज कंडक्टेड बिफोर स्टैट्यूटरी मीटिंग देन देयर इज नो नीड टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग, शाबाश, यही है। एक क्लियर बी, नोटिस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शुड ऑलवेज बी सेंड टू द शेयर होल्डर एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग।
ये क्या ख्याल है इसके बारे में? अच्छा ख्याल नहीं है, क्यों नहीं है सर? कह रहे हैं किस दिन पहले नोटिस भेजना चाहिए एक्स्ट्रा मीटिंग का? भेजना चाहिए तो ठीक है, स्टेटमेंट अनलिस्टेड कंपनी के केस में शॉर्टर नोटिस में भी मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है इफ ऑल मेंबर्स एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग सो एग्री। कोई बात क्यों नहीं है? कोई बात है? कोई बात ना हो जाए कहीं भाई। क्वेश्चन 9, पीस पैंथर लिमिटेड पीवीएल इज प्लानिंग टू कॉल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू ट्रांजैक्ट सर्टेन बिजनेस ड्यू टू एन इमरजेंसी फेस्ड बाय कंपनी। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग, व्हिच मीटिंग्स आर कॉल्ड ईओजीएम? ऑल मीटिंग्स अदर देन स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड एनुअल जनरल मीटिंग्स आर कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसमें किसने पूछा कि बिजनेस कौन से कंडक्ट होते हैं बताओ? छोड़ दे, नहीं बताएंगे। व्हाट इज द मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर कॉलिंग एन ईओजीएम? कैन पीपीएल होल्ड सच मीटिंग ऑन शॉर्टर नोटिस? बिल्कुल, इफ पीपीएल इज अनलिस्टेड कंपनी इट कैन कंडक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एट शॉर्टर नोटिस प्रोवाइडेड ऑल मेंबर्स एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट सच मीटिंग एग्री। चलिए, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 10, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अल्फा लिमिटेड, ये अच्छा क्वेश्चन है। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अल्फा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मार्च 2020 टू ट्रांजैक्ट सेवरल ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेसेस सच एज इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। यानी उसने आपको बता दिया ऑर्डिनरी बिजनेस भी कंडक्ट होंगे, स्पेशल बिजनेस भी होंगे, और ऑर्डिनरी भी खास तौर पर उसने डायरेक्टर्स की भी बात कर दी। क्या एजीएम के नोटिस में डायरेक्टर्स के बारे में कुछ इंक्लूड होता है? यस सर। क्या नंबर ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड? शाबाश, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017 लिस्ट इन्फॉर्मेशन विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन एएल्स नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश होता है उसमें क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे बहरहाल चले, वो मैं नहीं बताना चाहता आपको, नहीं पहले सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते उसके बाद। योर आंसर शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स व्हिच मस्ट ईदर बी इंक्लूडेड इन आर बी अनेक्स्ट टू द नोटिस ऑफ एजीएम। क्या 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 सिर्फ वही? देखिए, मैंने आपको कंसेप्ट बताते बताया था ना कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है वो नोटिस के अंदर लिखी जाएगी और कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसके साथ अटैच की जाती है। कौन कौन सी चीजें साथ में अटैच की जाती हैं? डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बस ये तीन चीजें थी। प्रॉक्सी फॉर्म, प्रॉक्सी फॉर्म, ये चार चीजें काफी है। हाँ जी, और नोटिस के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी? डेट और प्लेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी इफ लिस्टेड कंपनी, हाँ लिस्टेड कंपनी है, एज इट इज लिस्टेड कंपनी, वीडियो लिंक फैसिलिटी, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ प्रॉक्सी। ये लाइन समझ ही नहीं आनी है आपको, दोबारा सुने, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ प्रॉक्सी। ये समझ आ गई क्या कह रहा है? इसके पहले हिस्से में क्या कह रहा है? मेंबर का राइट है प्रॉक्सी बाइंड करना चाहे कर सकता है। दूसरे हिस्से में क्या कर रहा है? हाँ, अगर वो बाइंड करता है तो प्रॉक्सी के क्या राइट्स होंगे? वो सारे राइट देता है उसको कि मीटिंग में आके आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग में बोल चाल सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं, पोल डिमांड कर सकते हैं। सिर्फ एक राइट नहीं देता, गैस कीजिए कौन सा राइट? एक राइट नहीं देता, डिविडेंड का राइट। भाई प्रॉक्सी को डिविडेंड, ऐसा तो नहीं है वो आए डिविडेंड लेके निकल जाए। आप डिविडेंड वाले भाई कौन थे? शाबाश, ठीक है, तो डिविडेंड का राइट नहीं है, बाकी प्रॉक्सी के सारे राइट्स हैं जो मेंबर के। भाई ये क्लियर हो गया? अच्छा, अभी थोड़ा ही हुआ, अभी तो स्पेशल बिजनेस में क्या लिखना है वो रह गया। हाँ जी, ये स्पेशल आपके साथ वाले सुनो, हाँ जी ये आपके साथ वाले सुनो, हाँ जी ये बताइए, अगर मीटिंग में स्पेशल बिजनेस कंडक्ट होना हो तो नोटिस में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है स्पेशल बिजनेस के हवाले से? शाबाश, ड्राफ्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, और
स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, मटीरियल फैक्ट्स और नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स. शाबाश शाबाश. लास्ट कौन सा था? हाँ, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड. बिल्कुल बिल्कुल. इफ एनी डॉक्यूमेंट इज टू बी अप्रूव्ड, टाइम एंड प्लेस वेयर सच डॉक्यूमेंट्स कैन बी इंस्पेक्टेड. शाबाश, बेहतर. तो ये सारी चीजें क्लियर. इस क्वेश्चन में मुझे बताइए, क्या हमने सिर्फ नोटिस के अंदर लिखने वाले मैटर्स इंक्लूड करने थे या अटैच होने वाले भी? क्योंकि क्लियरली उसने कह दिया. इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ एक इख्तलाफ है जो शुरू में मैं आपको बताने लगा था, अब बता रहा हूँ. इसमें उसे न्यूज़पेपर का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर में नोटिस जाता है ना, उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह अटैच नहीं होती. वो तो उस नोटिस के साथ होंगी जो मेंबर्स को जाएगा. कॉमन सेंस की बात है. बहरहाल, 10 क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलिए, था हमारा असाइनमेंट. कल के लेक्चर में सारी चीजें समझ आ गई ना? कोई कंसेप्ट रहता नहीं क्या? कितने स्टूडेंट्स ने जाके पढ़ा है? कोई कंसेप्ट अगर आप समझते हो कि वीक है बता दें. कोई कंसेप्ट नहीं वीक, सब ठीक है. लिस्टेड कंपनी ने जब कभी नोटिस देना है, लाजमी है न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करवाना है, बल्कि वो स्टॉक एक्सचेंज कमीशन को भी भेज दी. हाँ, कोई भी जनरल मीटिंग हो, सबका नोटिस इसी तरह पब्लिश करवाना होता है, चाहे स्टैट्यूटरी मीटिंग हो, चाहे एजीएम हो, चाहे ईजीएम हो. ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज में भी जाते हैं और कमीशन में भी. एक्स्ट्रा मीटिंग का 21 और 90 डेज वाला, भाई अगर मेंबर्स ने रेक्विजिशन सबमिट करवाई और उस रेक्विजिशन के 21 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स ने प्रोसीडिंग स्टार्ट ना की, यानी मीटिंग कॉल नहीं की, यू समझ लीजिए प्रोसीडिंग का मतलब क्या है, मीटिंग कॉल नहीं की, मीटिंग के लिए नोटिस नहीं भेजे, तो इस सूरत में लॉ मेंबर्स को ये राइट देता है कि वो खुद से मीटिंग कॉल कर ले. हालांकि नॉर्मली मीटिंग कॉल करते हैं डायरेक्टर्स, लेकिन इस केस में मेंबर्स खुद से मीटिंग कॉल कर सकते हैं. लेकिन ये मीटिंग कितने अरसे में कंडक्ट होनी चाहिए? 90 डेज में कंडक्ट होनी चाहिए. फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वायरमेंट है, फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 21 डेज नहीं है, लिखा हुआ, क्लियरली लिखा हुआ है. मैंने आपको तो पता है, लिखा हुआ है कि नहीं? क्या 90 डेज विद इन डेट ऑफ रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है कि 21 डेज किधर? ये इसको नजर नहीं आया भाई. कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है. जहन में ज्यादा कंसर्न चल रहे हो तो ऐसे हो जाता है, सामने की चीज. और की क्वेश्चन? हाँ वही क्लियर, बस ठीक है. और की? जी जी, शाबाश. पूछे हाँ. देखिए, मेंबर के पास दो ऑप्शन होती है. डायरेक्टर अगर 21 दिन के अंदर मीटिंग कंडक्ट नहीं करवा रहे ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मेंबर के पास दो ऑप्शन है. पहली ऑप्शन तो ये कि वो खुद मीटिंग कंडक्ट करवा ले, दूसरी ऑप्शन ये वो बड़े साहब के पास जाए, कमीशन के पास, कमीशन का डंडा चलवाए, कमीशन फिर उनको कहेगा करते हो हाँ डायरेक्टर्स को. तो दोनों ऑप्शन है, वो चाहे खुद भी कर दें, चाहे कमीशन के पास चले जाए, फिर कमीशन कंडक्ट करवाएगा, उसकी जिम्मेदारी होगी. हाँ जी बिल्कुल. बस बात ऐसा है, जब ऐसा भी होता है कि कोई एक डायरेक्टर मीटिंग कंडक्ट करवाना चाह रहा होता है, बाकी डायरेक्टर नहीं मान रहे, सारे डायरेक्टर एक जैसे थोड़ी होते हैं, जैसे सारे पॉलिटिशियन एक जैसे थोड़ी होते हैं, हैं? कोई करप्ट भी होते हैं, हैं? इक्का दुक्का करप्ट भी होते हैं, तो उसी तरह सारे डायरेक्टर एक जैसे थोड़ी होते हैं. ठीक है, तो कोई हो सकता है ऐसा हो जो डायरेक्टर ईमानदार भी हो, तो कहे यार शेयर होल्डर से मीटिंग क्या हुआ, सीईओ को रिमूव करना है, उनका हक है, नहीं हक है उनका, वो एक्सरसाइज करने थे, बाकी डायरेक्टर कहें नहीं हमने तो मीटिंग ही नहीं कॉल करनी. वो कहेगा अच्छा फिर कमीशन के पास जाएंगे, कमीशन फिर कंडक्ट करवाएगा. ठीक है, हाँ, जो ईमानदार डायरेक्टर होगा फिर उसकी रिमुनरेशन में से, क्योंकि उसने खुद कमीशन को अप्लाई कर दिया, वो डायरेक्टर खुद भी जाके कमीशन को कह सकता है कि सर ये मीटिंग कंडक्ट नोटिस आया पड़ा है और ये कंडक्ट नहीं करवा रहा. और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम वोटिंग सिस्टम की तरफ. वोटिंग सिस्टम, अच्छा एक वैसे इससे पहले आप किसी वोटिंग सिस्टम के साथ फेमिलियर हैं? एक होता है पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन का वोटिंग सिस्टम, वो कैसे होता है भला? नहीं वो नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपका कंसेप्ट जानना चाहता हूँ. वो बैलेट बॉक्स के जरिए से बैलेट बॉक्स छपवाए जाते हैं और वो कॉन्फिडेंशियल होता है. इस वोटिंग सिस्टम की सबसे अहम बात यह है, कॉन्फिडेंशियल, यानी कोई एक पर्सन नहीं जान सकता कि किसी दूसरे पर्सन ने किसको वोट दिया है. सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो कॉन्फिडेंशियल है.
अच्छा, कभी आपने नेशनल असेंबली या सेनेट में वोटिंग होते देखी हो? वहां पे वोटिंग दो तरीकों से होती है, एक शो ऑफ हैंड। अच्छा, शो ऑफ हैंड में कैमरे लगाने की जरूरत नहीं होती, शो ऑफ हैंड में सबको पता चल जाता है। एक दूसरा तरीका होता है बैलेट बॉक्सिंग के जरिए से, खुफिया वोटिंग, उसमें हाँ, जिसमें मोबाइल कैमरा साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल है ना। तो उसमें बैलेट बॉक्स के जरिए से वोटिंग होती है, पेपर छपाए जाते हैं, वहां पे अपने अपने कैंडिडेट पे स्टैंप लगाई जाती है और फिर बंद करके उसे बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता है, ठीक है, बाद में फिर उसको काउंट कर लिया जाता है। ये दो सिस्टम चलते हैं नेशनल असेंबली, आपने देखे होंगे। और इसमें नॉर्मली जो चेयरमैन होता है वो फिर वोट्स को काउंट करता है और अनाउंस करता है कि रेजोल्यूशन पास हुई या नहीं हुई। कंपनी के केस में सिस्टम वैसा ही है जैसा कि नेशनल असेंबली या सेनेट वाला है। इसमें अगर आपने वोट कास्ट करना है तो दो तरीके, कितने वोटिंग सिस्टम है, दो तरीके। अच्छा, कौन सा वोटिंग सिस्टम कब डिसाइड होगा ये भी थोड़ी देर में स्टडी करते हैं, लेकिन सिस्टम के रूल्स में ये समझ लीजिए कि दो सिस्टम है वोटिंग। पहला सिस्टम कौन सा है, शो ऑफ हैंड, और दूसरा सिस्टम कौन सा है, दूसरा सिस्टम पोलिंग। पोलिंग का मतलब है बैलेट बॉक्स के जरिए से, ठीक है, पोलिंग बोर्ड। शो ऑफ हैंड कैसे काम करता है, ये कहता है, ये तरीका है हर कंपनी के पास ऑप्शन है, हर कंपनी, जबकि पोलिंग सिर्फ उन कंपनीज के लिए पास ऑप्शन है जिनका शेयर कैपिटल है। तो चूंकि पाकिस्तान में जो ज्यादातर कंपनीज हैं उनका शेयर कैपिटल है, इसीलिए ज्यादातर कंपनीज के पास दोनों ऑप्शंस हैं, शो ऑफ हैंड भी और पोल भी। शो ऑफ हैंड को प्रेफर्ड मेथड माना जाता है, हालांकि इसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इस शो ऑफ हैंड में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक यह है कि इसमें स्मॉल शेयर होल्डर, कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात ठीक है वो भी है, लेकिन उससे भी बड़ा मसला कि स्मॉल शेयर होल्डर और लार्ज शेयर होल्डर दोनों के हाथ एक बराबर है, उसके भी दो हाथ, उसके भी दो हाथ। यहां तो होते ना शेयर, पोलिंग असल में होती है नंबर ऑफ शेयर की बेस पे, और शो ऑफ हैंड होता है हैंड्स की बेस, वो सबके एक बराबर है। तो इसीलिए शो ऑफ हैंड में हर मेंबर के पास एक वोट होगा, एक वोट होगा। इसमें चेयरमैन कैसे वोटिंग करवाता है, जैसे फर्ज कीजिए एक रेजोल्यूशन हमने पास करनी है कि क्या जिस दिन आपका टर्म टेस्ट है उस दिन आपको असाइनमेंट दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, नहीं, रेजोल्यूशन पास करते हैं। अब सबसे पहले शो ऑफ हैंड के जरिए से, शो ऑफ हैंड क्या होगा, मीटिंग का चेयरमैन होगा, चेयरमैन अनाउंस करे, चेयरमैन सबसे अच्छा, मीटिंग को वोटिंग को कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी सारी चेयरमैन की होती है, तो चेयरमैन शैल गवर्न द मैनर इन विच मीटिंग इज कंडक्टेड। तो वोटिंग कैसे होगी, अब देखिए, अब चेयरमैन क्या कर रहा है, भाई हाँ हम अब रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं कि क्या जिस दिन टर्म टेस्ट हो उस दिन असाइनमेंट आपको मिलनी चाहिए कि नहीं। वो जो इस फेवर में है कि असाइनमेंट मिलनी चाहिए दायां हाथ उठाइए, जो इस फेवर में है, जो उस दिन फेवर में है, भैया अब इसमें कानूनी नुकता समझाता हूं आपको, और जो फेवर में नहीं है यानी जो चाहते हैं असाइनमेंट ना दी जाए टर्म, वो दायां हाथ उठाइए। अब चेयरमैन ने गिनती दोनों सूरत में गिनी, पहले फेवर वाले थे, एक मिनट हारेंगे भाई, चेयरमैन को वोट तो गिनने दे भाई, हाथ तो थोड़ी देर उठा के रखे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्ताईस फॉर एग्जाम्पल। अब जो इस फेवर में है कि असाइनमेंट होनी चाहिए टर्म, वो जरा हाथ उठाइए, शाबाश, इनका जमीर जाग गया, दो हाथ उठा, गिनने तो दें, गिनने तो नहीं, अच्छा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह 32 वोट्स। इसीलिए ये रेजोल्यूशन पास की जाती है कि असाइनमेंट होगी। अच्छा अभी ये देखिए लॉ क्या कहता है, पढ़ के देख ले, लॉ ये कहता है जो चेयरमैन जो है वो रिजल्ट अनाउंस करेगा, और इसमें चेयरमैन का डिसीजन फाइनल है, चेयरमैन का डिसीजन फाइनल है, इसकी कार्रवाई किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। नहीं, वैसे कमीशन हो सकती है कंपनी की हो सकती है, लेकिन वैसे बता रहा हूं चेयरमैन का डिसीजन फाइनल होगा अनलेस कॉन्ट्रेरी इज अप्रूव्ड। अब आप में से कोई बंदा कोर्ट में जाके लाख शोर मचाता रहे कि सर असाइनमेंट ना वाले वोट्स ज्यादा थे, असाइनमेंट हा वाले वोट्स कम थे, कोर्ट कहेगा चेयरमैन ने वो जो मिनट बुक होती है मीटिंग की, मिनट्स जिसमें लिखते हैं, उसमें चेयरमैन ने क्या लिखा है,
कि वोट्स ज्यादा थे हाँ वाले की असाइनमेंट होनी चाहिए, असाइनमेंट होनी चाहिए। कोर्ट मुझसे, अच्छा सुने बर्डन ऑफ प्रूफ का कंसेप्ट है आपको, कोर्ट मुझसे नहीं पूछेगा कि साबित करो इतने इतने वोट्स थे, जो एप्लीकेशन लेके गया उससे पूछेगा साबित करो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि कितने वोट्स थे, बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे। हाँ अगर तो आपने तस्वीर या कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है वो फिर वोट है, यानी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कॉन्ट्रेरी, जो लिखा हुआ है उसे कॉन्ट्रेरी प्रूफ, वरना चेयरमैन का डिसीजन फाइनल है। क्योंकि एक दफा अब देखिए आपने हाथ उठा के ये कर लिए ना, अब दुनिया में कोई सबूत नहीं एग्जिस्ट कर रहा कि उस वक्त किस किस ने हाथ उठाया था। अगर तो पोलिंग, अगर आपके पास है कैमरा का फिर ठीक है, वरना कोई एविडेंस नहीं। लेकिन पोलिंग में एविडेंस होता है, पोलिंग में अगर आपको शक होना कि धांधली हुई है आप उसकी रिकाउंटिंग करवा सकते हैं, जिसमें एक चेयरमैन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, चेयरमैन खुद ही है उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक जो इन लोगों ने इतराज किया है उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, और बैठ के कहेंगे सर काउंट कर लेते हैं। तो शो ऑफ हैंड में हालांकि एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, हर मेंबर का एक वोट होगा ठीक है, और जो चेयरमैन ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया वही फाइनल समझा जाएगा, अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रूफ, अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रूफ समझ आ रहा है, अनलेस आपके पास तस्वीर है, अनलेस आपके पास रिकॉर्डिंग है, अगर रिकॉर्डिंग नहीं है तो जो चेयरमैन का डिसीजन है वही फाइनल समझा जाएगा। हालांकि इसमें एक दो डेफिशिएंसीज हैं, सबसे बड़ी डेफिशिएंसीज में ये है छोटा शेयर होल्डर बड़ा शेयर होल्डर दोनों एक बराबर, दोनों का एक एक वोट होता है, लेकिन इसके बावजूद इसको प्रेफर्ड मेथड माना जाता है। जब भी किसी भी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होती है पहला मेथड जो होता है फर्स्ट इंस्टेंस पहले नंबर पे शो ऑफ हैंड के जरिए से वोटिंग करवाई जाती है। अगर शो ऑफ हैंड से आप मुतमिन नहीं है तो फिर आप दूसरे नंबर पे पोल की तरफ जा सकते हैं, वरना जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होती है ना, बाय डिफॉल्ट पहली ऑप्शन वो कौन सी होती है, इसकी रीजन ये है कि इसके जरिए से डिसीजन क्विकली हो जाते हैं। पोलिंग का इंतजाम करवाना होना उसमें आपको पता है बैलेट पेपर छपवाने हैं, बैलेट बॉक्सेस अरेंज करने हैं, फिर उसके बाद स्टैम्प्स वगैरह, उसके बाद वो कॉर्नर जहां पे जाके छुप के वोट कास्ट, तो इसमें टाइम लग जाता है, नॉर्मली 10-12-14 दिन लग जाते हैं। इसीलिए लॉ ने कहा टाइम को बचाने के लिए जो फर्स्ट इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट मेथड होगा वो कौन सा होगा। हाँ अगर कोई मेजोरिटी शेयर होल्डर है और रिजल्ट उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं आया उसके लिए लॉ ने ऑप्शन रखी है, वो अप्लाई कर सकता है। उसके पास 10% अगर शेयर कैपिटल है वो अप्लाई कर सकता है कि सर शो ऑफ हैंड नहीं बल्कि वो लिंक के जरिए कर, वरना बाय डिफॉल्ट पहला मेथड कौन सा लगेगा दोनों में से, शो ऑफ हैंड में। शो ऑफ हैंड में दो चीजें खास तौर पर ध्यान में रखनी है, एक हर मेंबर के कितने वोट हैं, चाहे उसके पास 10 शेयर हो चाहे 10 लाख हो, शो ऑफ हैंड में एक ही वोट। और प्रॉक्सी कैन नॉट वोट, प्रॉक्सी किसे कहते हैं, जो किसी मेंबर के दूसरी जगह पे आया है किसी मेंबर की जगह पे पार्टिसिपेट कर रहा है, शो ऑफ हैंड में वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। ये एक अहम डिफरेंस है, क्या पोल में कर सकते ये भी देखते हैं, मेरा ख्याल है कर सकता है, वरना अगर कोई चीज सेम होती ना तो उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। कल पढ़ा था ये, क्या राइट टू, क्या पढ़ा था, राइट टू अटेंड मीटिंग, राइट टू स्पीक एट मीटिंग, राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग। तो उसमें वोट कौन से वाला वोट था, शो ऑफ हैंड वाला नहीं, पोलिंग वाला वोट था। उसका वोट कहां गया, वो घर बैठा है, उसका वोट भी घर बैठा है। फायदा प्रॉक्सी का, वो उधर उसे पता चल जाएगा सारी वारदात क्या हुई है, वो कुआ क्या हुआ है, डिस्कशन क्या हुई है, और वो वहां पे स्पीक। और इसके पास एक और राइट है, प्रॉक्सी के पास ये राइट नहीं है कि शो ऑफ हैंड में वोट कास्ट कर सके, लेकिन उसके पास ये राइट है कि वो पोल डिमांड कर सके और फिर पोल में वोट कास्ट कर सके। अगर उसका वो भी चुप करके पहले देखेगा, पहले देखेगा कि भाईजान क्या सारे मामलात मेरी इन्वॉल्वमेंट के बगैर सारे मामलात सही जमहूरी तरीके से चल रहे हैं। अगर तो सारी इन्वॉल्वमेंट के बगैर मामलात सही चल रहे हैं तो फिर छेड़ने के फिर ठीक। जहां पे प्रॉक्सी को लगे कि ये वाला फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है वो वोट नहीं देगा शो वैंड में, वो पोल डिमांड करेगा। अगर उसके पास 10% वाली कंडीशन पूरी होती है वो कहेगा जी पोल कंडक्ट करवाएं, फिर पोल में अपना वोट कास्ट करेगा, उस तरीके से आएगा, समझ रहे हैं। शो हैंड कभी भी नहीं कर सकता, नहीं राइट वेरी नहीं हो रहा उसको दिया तो इनडायरेक्टली उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वो पहले डिमांड कर ले पोल और अगर पोल डिमांड हो जाए उसमें वोट कास्ट कर ले। क्या प्रॉक्सी चैलेंज नहीं कर सकता, वो मेंबर को करना पड़ेगा, मेंबर को करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ जो कि है पोल। पोल कैसे काम करता है सुन लें, अगर चेयरमैन का दिल करे तो वो सू मोटो नोटिस ले सकता है,
सो मोटो नोट समझते हैं अपने में बैठे हो कभी और कोई काम नहीं आएगा चले नोटिस ले लिया भाई yeah. तो चेयरमैन सो मोटो नोटिस ले सकता चेयरमैन की बात कर रहा चेयरमैन सो मोटो नोटिस ले सकता है। उन्हें कहा जी मीटिंग का फैसला बड़ी जल्दी हो गया है इतनी जल्दी भी फैसला नहीं होने चाहिए। तो अब उसने फैसला किया कि पोल के अच्छा एक चीज रखिएगा पोल की डिमांड शो ऑफ हैंड कर से पहले भी की जा सकती है बाद में भी यानी ऐसा भी हो सकता है कि अभी शो ऑफ हैंड हुआ ही नहीं है चेयरमैन ने कह दिया इसका फैसला होगा ही पोल के जरिए से शो ऑफ हैंड खत्म शो ऑफ हैंड करवाने नहीं है ये भी पॉसिबल है या ये भी पॉसिबल है कि शो ऑफ हैंड के जरिए से फैसला हो गया रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो गई शो ऑफ हैंड के जरिए से चेयरमैन कह दी दोबारा पोलिंग के जरिए से होगी यह भी पॉसिबल है। इसको लॉ ऐसे कहता है कि पोल कैन बी डिमांडेड बिफोर आर ओन रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। इसको किस तरीके से बताता है लॉ कि पोल कैन बी डिमांडेड बिफोर आर ओन डिक्लेर ओन से मुराद आफ्टर ही है ओन का मतलब यही है आपके रिजल्ट आने पे आपको इनाम दिया जाएगा मतलब रिजल्ट आने के बाद ही दिया जाएगा आने पर या आने के बाद एक ही बात है ना ठीक है ओन हाँ उस मीटिंग में जरूरी है ये नहीं है कि शो ऑफ हैंड के जरिए फैसला हुआ मीटिंग खत्म सारे घर चले गए छह दिन बाद एक मेंबर को ख्याल आया नहीं पोल होना चाहिए अब वो डिमांड करे अब नहीं होगा उसी मीटिंग में शो ऑफ हैंड से पहले भी कर सकते हैं शो ऑफ हैंड के बाद भी मीटिंग के बाद पोल डिमांड नहीं कर सकते ये बात समझ आ रही है जी जी हाँ इसके लिए अरेंजमेंट करनी पड़ती है बिल्कुल उसी मीटिंग में पोल कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं तो नहीं करवा सकते मीटिंग हाँ वो फिर आपको पोल किसी और दिन करवाना पड़ेगा बिल्कुल ठीक है ये कंसेप्ट आगे डिस्कस होगा अभी सिर्फ दो पोल फौरी तौर पे करवाते हैं दो पोल ऐसे हैं जो फौरी तौर पे करवाए जाते हैं एक ये कि मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा अगर डायरेक्टर्स वगैरह में कोई नहीं है चेयरमैन नहीं है डायरेक्टर नहीं है तो आपको पता है मेंबर ने फैसला करना होता है मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा ये पोल फौरी होना जरूरी है और मीटिंग को एडजॉइन करना है कि नहीं ये भी फौरी होना जरूरी ये दो फैसले अगर आप देखें ना तो लॉजिकली सेम डे में होना जरूरी है चेयरमैन के बगैर मीटिंग शुरू नहीं होगी और मीटिंग एडजॉइन करनी है कि नहीं करनी ये भी उसी वक्त होगा। बाकी के जितने भी फैसले हैं उनके लिए लॉ ने 14 डेज का टाइम दिया है विद इन 14 डेज चेयरमैन ने पोल कंडक्ट करना होगा। फिर कह रहे या तो पोल चेयरमैन खुद भी ऑप्ट कर सकता है या 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर वाले मेंबर्स डिमांड कर सकते हैं। अच्छा हमें मुझे बताया वोटिंग पावर लिखा है कि शेयर होल्डिंग याद है वोटिंग पावर वोटिंग पावर कैसे वोटिंग पावर दो चीजों पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ शेयर और क्लास ऑफ शेयर याद है एक वोट पर शेयर दो वोट पर शेयर क्या था तालिब हुसैन नाम था उसका तालिब हुसैन नहीं था नजाकत हुसैन सलीम हुसैन के पास 14% शेयर होल्डिंग कैसे कैलकुलेट की थी उसके पास वोट था तो शेयर होल्डिंग कैसे नंबर ऑफ वोट्स मल्टीप्लाई बाय क्लास ऑफ वोट्स फिर अगली क्लास के नंबर ऑफ वोट्स क्लास ऑफ वोट्स याद है तो जो शेयर होल्डिंग डिटरमिन की जाती है वोटिंग पावर डिटरमिन की जाती है यहां पे हर एक का एक वोट नहीं होगा उसकी वोटिंग पावर के लिहाज से होगी जिसके पास ज्यादा शेयर्स हैं ज्यादा वोटिंग पावर वोट्स अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ शेयर्स हेल्ड यानी वोट्स होंगे प्रोपोर्शनेट टू शेयर हेल्ड जिसके शेयर ज्यादा नहीं समझ आई बात वो कल वाला केस में लेके आए वो जो था जिसमें तीन क्लासेस ऑफ वोट थे हर क्लास में डिफरेंट वोटिंग राइट्स थे क्लास एक पहली क्लास के था एक वोटिंग राइट दूसरी क्लास में हर शेयर के थे दो और तीसरी क्लास में हर शेयर के थे तीन प्रॉक्सी कैन वोट गुड न्यूज प्रॉक्सी के लिए गुड न्यूज क्या प्रॉक्सी कैन वोट शो ऑफ हैंड में क्या था प्रॉक्सी कैन नॉट वोट यहां पे क्या है प्रॉक्सी कैन वोट प्रॉक्सी की अहमियत यहां पे ज्यादा है आगे क्योंकि प्रॉक्सी की मेंबर की चेयरमैन की हाँ प्रॉक्सी डिमांड करते हैं उसको कितना अरेंजमेंट करनी पड़ती है। फिर चेयरमैन अगर किसी को शक हो इसके रिजल्ट में शक हो तो वो तो फाइनल कंक्लूसिव एविडेंस होता था ना अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड इधर अगर रिजल्ट में किसी को धांधली का शुभ हो तो बस तकरीबन समझे काम फाइनल है आपके पास कोई सबूत है तो शायद कोई बात बन जाए वरना यहां पे अगर आपको धांधली का शुभ है नो प्रॉब्लम आप फौरी तौर पे चेयरमैन से कहिए रिकाउंटिंग का चेयरमैन कहेगा ठीक है आ जाओ मैं भी इधर बैठता हूं या मेरा रिप्रेजेंटेटिव इधर तुम या तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाए आ जाओ डब्बा खोलते हैं दोबारा से काउंट कर लेते हैं अब दोनों मिलकर एक चेयरमैन का रिप्रेजेंटेटिव
एक मेंबर्स या उनका रिप्रेजेंटेटिव दोनों बैठ के क्या करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे. बोले क्या करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे वोट. स्क्रूटनाइज का मतलब रीचेकिंग करेंगे, उनकी तसल्ली हो जाएगी. भाई ये समझ आया? तो बताइए आपको दोनों में से, दो सिस्टम मैंने आपको वोटिंग के बताया, एक शो फैंड बताया और दूसरा पोलिंग बताया. मेरे भाई को कौन सा सिस्टम ज्यादा अच्छा लगा? बैलेट पोलिंग वाला. क्यों? रीचेकिंग करवा सकते हैं, स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज लेवल पर स्क्रूटनाइज कर सकते हैं और प्रॉक्सी भी वोट. अच्छा ठीक, शाबाश शाबाश शाबाश. आपको कौन सा सिस्टम अच्छा लगा, शो ऑफ हैंड वाला या पोलिंग वाला? शाबाश शो ऑफ हैंड. ये क्यों अच्छा लगा? कन्वीनियंट है, जल्दी जल्दी फैसला हो जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती वो बिला, वरना तो उधर अरेंजमेंट ज्यादा. बिल्कुल ठीक है. देखिए अपनी अपनी पसंद. ला ने दोनों ऑप्शन दी हुई है, दोनों ऑप्शन. हाँ उन्होंने कहा सर पोल इसलिए भी बेहतर है खुफिया वोटिंग होगी, वरना शो ऑफ हैंड में तो बाज़ूकात ऐसे होता है कि वो वोट खरीदे बेचे जा सकते हैं. मैं वो कहे भाई मैं देखता हूँ तुम मेरी पार्टी को वोट देते हो कि नहीं देते, एक लाख. तो पोलिंग में तो फायदा है ना, पैसे भी ले लिए वोट भी दूसरी पार्टी को दे दिए, इसमें फायदा. तो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, प्लस माइनस है, बिल्कुल अच्छा. हाँ अभी तो कहा सर ये तो मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर किसी मेंबर के शेयर्स कम है उसके लिए शो ऑफ हैंड बेहतर है, और अगर किसी मेंबर के शेयर्स ज्यादा हैं उसके लिए पोलिंग बेहतर है. बिल्कुल ठीक है, अपने अपने प्लस माइनस है. लाने दोनों की ज्यादा दे दी हुई है. नहीं जब डायरेक्टर ने देखिए डिसाइड डायरेक्टर ने नहीं करना, जो चेयरमैन ने वोट है, चेयरमैन की जिम्मेदारी सिर्फ वोट गिनने की हद तक है और रिजल्ट अनाउंस करने की हद तक है, और अक्सर ऐसे ही होता है. इधर इधर उसका दिल कर रहा है, क्या कर रहा है चेयरमैन का? हाँ इधर ये भी है, इधर इसका खुद भी दिल करे तो ये करवा सकता है पोलिंग. बिल्कुल ला ने चेयरमैन को भी ऑप्शन दिया, मेंबर्स के पास भी तो ऑप्शन है, लेकिन मेंबर के पास कुछ वोटिंग पावर होनी चाहिए ना, कोई भी 1% वाला भी मुंह उठा के आ जाए. चलिए ये दोनों मेथड क्लियर हो गया आपको. अच्छा अब देखते हैं टाइम ऑफ टेकिंग पोल. टाइम ऑफ पोल कब कंडक्ट किया जाएगा? आपको बताया दो तरह के पोल ऐसे हैं, फोरी कंडक्ट किए जाएंगे, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन और एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग. क्योंकि ये फैसला उसी वक्त होने जरूरी है ना, अब ये थोड़ी आप ओके 10 दिन के बाद फैसला करेंगे आज की मीटिंग एडजॉर्न करनी है कि नहीं करनी, ये तो नहीं होगा ना ऐसे. या मीटिंग चला लेते हैं 5 दिन बाद डिसाइड करेंगे मीटिंग का चेयरमैन कौन है, ऐसे नहीं होता इस दुनिया में, ऐसे नहीं होता. किसी और डायमेंशन में होता हो तो होता हो, इस दुनिया में ऐसे नहीं होता. बाकी आज सारे इकट्ठे चलते हैं, इसीलिए वो ये कहता है कि ये दो फैसले जो है ये फौरी तौर पर होंगे पोल्स, इन दो फैसलों पर पोल फौरी कंडक्ट करा जाए. किन दो? इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, बाकी जितने भी डिसीजंस हैं उनके लिए 14 डेज का टाइम. विद इन 14 डेज बोलना, आफ्टर 14 डेज नहीं बोलना, वरना 0 नंबर मिलेगा इस लाइन का. विद इन 14 डेज ऑफ डिमांड कह रहे. और लास्ट कंसेप्ट ये जरा गौर से सुन लीजिएगा, वरना बार बार पूछते रहेंगे. स्टेटस ऑफ रेजोल्यूशन पाथ. दो चीजें, दो इवेंट है, दोनों में फर्क है, बस ये फर्क ही आपको समझाना है. एक इवेंट है एडजॉइंट मीटिंग, ये भी ओरिजिनल मीटिंग के बाद होती है, और एक है पोल, ये भी नॉर्मली ओरिजिनल मीटिंग के बाद ही होता है ना. लॉ कहता है जब रेजोल्यूशन कोई पास होगी वो एडजॉइंट मीटिंग में भी हो सकती है, वो पोल में भी हो सकती है, पोल में भी कोई फैसला ही होगा ना. कहता है लेकिन एडजॉइंट मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होगी उसकी इफेक्टिव डेट एडजॉइंट मीटिंग है, क्योंकि वो कब पास हुई? एडजॉइंट मीटिंग में. तो रेजोल्यूशन कब, रेजोल्यूशन कहां पास? मीटिंग में पास होती है ना. एडजॉइंट मीटिंग, उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? डेट ऑफ एडजॉइंट मीटिंग, नॉट बिफोर, नॉट अर्लियर. नॉट अर्लियर का मतलब क्या है? ओरिजिनल वाली नहीं. एडजॉइंट मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुई उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? एडजॉइंट मीटिंग की डेट, ओरिजिनल वाली पहले वाली डेट नहीं. लेकिन पोल डिमांड किया, पोल में अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुई उसकी इफेक्टिव डेट ओरिजिनल मीटिंग वाली समझी जाएगी. क्योंकि क्योंकि वो सिर्फ पोल कंडक्ट हुआ, मीटिंग तो हुई नहीं है, और रेजोल्यूशन तो मीटिंग में ही पास होनी है, मीटिंग पहले कंप्लीट हो चुकी है. पोल मेन कंसर्न क्या बताना है, पोलिंग का केस एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग का केस नहीं है. एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग और चीज है, पोलिंग एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग बेसिकली एक मीटिंग ही की कंटिन्यूएशन है, और पोल में मीटिंग खत्म हो चुकी है, सिर्फ वोटिंग होनी है, सिर्फ वोटिंग बाकी. नहीं बात समझ आ रही ना?
कि क्या बात समझ आई कि होल और एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग में फर्क है। अगर एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास होती है उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? जो एडजॉर्न मीटिंग है वही, नॉट अर्लियर, नॉट बिफोर, पहले वाली नहीं, यानी ओरिजिनल मीटिंग वाली नहीं। और जब पोल में कोई रेजोल्यूशन पास हुई है उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? ओरिजिनल मीटिंग की डेट, क्योंकि पोल बेसिकली कोई मीटिंग नहीं है। क्लियर होगी ये बात? स्क्रूटनाइज की जगह के रीचेक वर्ड यूज कर सकते हैं? नहीं, लीगल वर्ड आपने यही यूज करना है, ठीक है, लॉ की वर्ड, ठीक है, ये बेहतर है, बेहतर है, कोई इतना मुश्किल वर्ड नहीं है, बेहतर है स्क्रूटनाइज का वर्ड ही यूज करें। और की क्वेश्चन जी, पोलिंग करवाने के बाद शो ऑफ हैंड नहीं करवा सकते, शो ऑफ हैंड के बाद पोलिंग करवा सकते। बिल्कुल, किसी के पास अगर 10% या ज्यादा वोटिंग राइट है, एक या एक से ज्यादा मेंबर्स के पास एग्रीगेट, तो वो पोल डिमांड कर सकते हैं। नहीं, पोल की बजाय शो ऑफ हैंड डिमांड नहीं, शो ऑफ हैंड बाय डिफॉल्ट कंडक्ट करवाया जाता है, और अगर कोई दूसरे लोग पोल डिमांड कर ले बाकी के लोग उसको मना नहीं कर सकते। जी, एडजॉर्न मीटिंग क्या एक और दफा एडजॉर्न हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है, लाने को ऐसा की लिमिट नहीं लगाई। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये प्रोसीजर नहीं है, याद रखिए इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के लिए लॉ ने अलहदा स्पेसिफिकली प्रोसीजर बताया हुआ है। कई स्टूडेंट एक सवाल पूछते हैं, सर डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए कि स्पेशल, डायरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए कि स्पेशल, ठीक है, तो याद रखिए डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इलेक्शन, ये स्पेसिफिकली लॉ ने प्रोसीजर बताए हुए हैं, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, इसमें आप ये नहीं कह सकते क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी नहीं है, वो लॉ ने तरीका बताया डायरेक्टर को रिमूव करना है, तो उसने अपनी सीट बचाने के लिए कितने वोट लेने हैं, वो ना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है ना स्पेशल रेजोल्यूशन है, तो इसे हमें रखिएगा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, रिमूव करना है, या उसका इलेक्शन का जो है, तो वो स्पेसिफिकली लॉ ने उसका प्रोसीजर बताया होगा। फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब है पहली बारी इसकी होगी, बाय डिफॉल्ट शो ऑफ हैंड के जरिए से वोट पास किए जाएंगे। जी, और क्यों वैसा? अच्छा, ये वोट वाला, अच्छा, खासतौर पर रूल जो प्रॉक्सी वाला ना, प्रॉक्सी कब वोट कास्ट कर सके, ये ध्यान में रखिएगा, केस स्टडी में कंसेप्ट यूज होगा ये। जी, पोलिंग जो कंडक्ट करवानी है उसके लिए लहदा से मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग उधर खत्म हो गई, सिर्फ चेयरमैन ये बता देगा कि आपने 10 तारीख को इधर आके वोट कास्ट करना, बस वोटिंग होनी है भाई। नहीं नहीं, जैसे हम जब जाते हैं वो डब्बे इलेक्शन जब होते हैं तो उधर जाते हैं सिर्फ वोट कास्ट करके आ जाते हैं, कोई मीटिंग होती है? कोई मीटिंग नहीं, वो डब्बे में जाकर वोट डाले और बाहर आ जाए। हाँ, एक लिखा हुआ वर्ड, फ्रैक्शनल शेयर शैल नॉट बी काउंटेड, ये सुन ले, हालांकि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं एग्जाम पॉइंट, लेकिन बार फिर भी सुन ले, फ्रैक्शनल वोट्स क्या होते हैं। बाजुका जब आप वोटिंग पावर कैलकुलेट कर रहे होते हैं परसेंटेज में, तो आंसर आ जाता है पॉइंट्स में, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल वोट, या वोट कार्ड वोट कैलकुलेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, हमने देखा इन भाईजान की परसेंटेज आई थी 27.03% और हमारे टोटल शेयर्स वो वोट्स थे 1,00,000। अब 1,00,000 का 27.03% वगैरह कैलकुलेट करें, आपने देखा होगा बाजुकात आंसर पॉइंट्स में आता है और आगे चलता जाता है, तो इसमें जो आपके नंबर ऑफ वोट्स आएंगे ना, वो आएंगे 728.4 वोट, 728.4। ये जो शारिया चार वोट है 0.4, ये है फ्रैक्शनल वोट। लॉ कहता है क्या इसे राउंड ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, अगर 704.7 आता है क्या इसे 705 कर सकते हैं? लॉ कहता है नहीं, फ्रैक्शनल वोट शल बी इग्नोर्ड, यानी आप सिर्फ 704 वोट्स कास्ट कर सकते हैं, जो पॉइंट्स वाले वोट होंगे वो कास्ट नहीं, वो इग्नोर किए जाएंगे। फ्रैक्शनल वोट से मुराद पॉइंट्स वाले वोट है, जो पॉइंट्स में आते हैं, जो आधा है उसको राउंड ऑफ नहीं करना, 0.9 भी आ गया ना उसको राउंड ऑफ नहीं करना, ठीक है, उसको बिल्कुल निकाल देना, उसको इग्नोर कर देना। ये बात समझ आ गई फ्रैक्शनल वोट्स वाली? और क्या सर? अच्छा, ये पढ़ लीजिए, इसमें कोई लफ्ज ऐसा, कोई ऐसी लाइन, ऐसा कंसेप्ट जो रह गया इस कंसेप्ट में से, रीचेक कर लिया आपने? चलिए, आज के लिए फिर इतना काफी है, आज का लेक्चर खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।